लैपटॉप मदरबोर्ड में शॉर्टिंग किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? पहले तो मल्टीमीटर पे, डायोड मोड पे या फिर कंटिन्यूटी मोड पे रखिए। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड के साथ जोड़िए, कहीं भी फंसा दीजिए एक बार। फिर चेक करने के लिए हम चेक करेंगे अभी ग्राउंडिंग सीट ऐसा ही से लगा है कि नहीं। ये अभी तक नहीं लगा है, हम इसे सही से लगाएंगे। यह हमारा ग्राउंडिंग लग गया है। अभी हम चेक करेंगे इस मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है जो कि अब हम भी टेस्ट करने वाले हैं। बोर्ड में जितने भी कॉइल्स लगे हैं सब पे टेस्ट करेंगे। एक प्रोब ग्राउंड पे रख के दूसरा प्रोब कॉइल के हर एक एंड पे चेक करेंगे। ये SMD कॉइल है, हम चेक कर रहे हैं अभी। ये जो कि बज रहा है इसका मतलब है यहाँ पे शॉर्टिंग है। हम और कहीं चेक करेंगे। ये और एक SMD कॉइल मिला है मुझे, इस पर भी बज रहा है, मतलब इस पूरे बोर्ड में शॉर्टिंग है जिस वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। इस जगह पे इसका B+ है जो कि बैटरी डिटेक्शन रेजिस्टर है, ये वाले। तो हम इसके साथ भी चेक करेंगे एक बार, जो कि इसके साथ भी बज रहा है, मतलब B+ के लाइन में सारी शॉर्टिंग है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके ये सारे कॉइल्स हटाएंगे, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर इस तरह से ये वाली, और जितने भी कॉइल्स रहेंगे उसको एक तरह से निकाल लेंगे जब तक कि शॉर्टिंग हटती नहीं है। शुरुआत करेंगे हम इस वाले कॉइल से, इससे निकाल के इसे साइड में रखेंगे। फिर हम चेक करेंगे, अगर शॉर्टिंग हट रही है तो इसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट में शॉर्टिंग है, या फिर अगर यहाँ ये निकालने के बाद शॉर्टिंग हट रही है तो इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट में शॉर्टिंग है। तो अब हम चेक करेंगे। मैं पहले तो इस कॉइल को हटाता हूँ साइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाली जो कॉइल है यहाँ से निकाल दी है एक साइड से वाटर गन की मदद से, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे क्या अगर इसमें से शॉर्टिंग हटती है कि नहीं। हम अगर चेक करें B+ वाले रेजिस्टर पे तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये पूरी तरह से शॉर्टिंग हट चुकी है, यानी कि जो शॉर्टिंग है वो इस सेगमेंट में है। ये बीप नहीं बज रही है अभी यहाँ पे, यानी कि ये शॉर्टिंग जो है इस सेक्शन में है। तो हम एक एक करके ये सारे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स और ये दो MOSFETs इसे भी हटाएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या शॉर्टिंग है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हमें ये MOSFET जो है ये शॉर्ट मिला है। ये MOSFET जिसकी वजह से ये पूरी बोर्ड शॉर्टिंग हो चुकी थी।
तो अब हम इसे चेक करते हैं किस तरह से ये मुझे शॉर्ट मिला। आप देख सकते हैं कि जो लेग्स है, 8 लेग्स की ये आईसी है, मॉस्फेट है। तो अब हमें चेक करना है कि ये फॉल्टी किस तरह से है। तो इसके दोनों एंड पे कहीं पे भी हम ये जो मल्टीमीटर का जो प्रोब है, जो कि हमने रखा है कंटिन्यूटी मोड पे रखा हुआ है हमने अभी, इसकी आप देख सकते हैं, इस पर टच करने के बाद ये बीप बजेगा, राइट। तो अब हमें ये जो मॉस्फेट है इसे चेक करने के लिए हमें इसके दोनों एंड पे ये प्रोब टच करने होंगे, तब जाके ये बीप बजे। अगर ये बीप बचा इसका मतलब है ये फॉल्टी है, जो कि मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑलरेडी फॉल्टी है। तो जस्ट मैं दिखाने के लिए आपको फिर से चेक करके बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके दोनों साइड पे मैंने प्रोब लगाया है और उसके बाद ये रीडिंग मेरे को लो दिखा रहा है। इसका मतलब ही इसके इस मॉस्फेट के अंदर इंटरनल शॉर्टिंग हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा बोर्ड बंद था, जो कि ऑन नहीं हो रहा था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मॉस्फेट है इसे मैंने रिप्लेस कर दिया है। इसकी डेटा शीट चेक की है मैंने, ये इस आईसी का नंबर आप शायद देख सकते हैं, इसका नंबर है 4406A। तो इसकी डेटा शीट निकाल के हमने चेक किया है, इसके दूसरे मदरबोर्ड में हमने चेक किया तो इसके बराबर वाली, जो इसके सेम वैल्यू वाली जो मॉस्फेट हमने दूसरे मदरबोर्ड से मिली थी वो हमने इसमें लगा दी है, क्योंकि ये इस लोकेशन में था ये वाली। तो इसे हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है सेम वैल्यू वाले मॉस्फेट से। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये शॉर्टिंग हटी है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, शॉर्टिंग ऑलरेडी हट चुकी है। ये प्रोब मैंने यहाँ पे फंसा दिया ग्राउंड में, चेक कर रहे हैं अभी ग्राउंड से लगा है कि नहीं, ये लग चुका है प्रॉपर, एक बार चेक कीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए कि ग्राउंडिंग लगा है कि नहीं ठीक से। अब हम इसे चेक करेंगे इस कॉइल पे, तो अगर ये बीप बजा तो समझ लेना कि और भी शॉर्टिंग है, अगर नहीं बज रहा है इसका मतलब ये सही है। और हमने यहाँ पर टच किया और रीडिंग आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब है कि शॉर्टिंग बोर्ड में से हट चुकी है। अभी ये लैपटॉप चालू हो सकता है। अब हम फिर से दिखाते हैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉर्टिंग हट चुकी है, हमने ये मॉस्फेट जो है वो चेंज कर दिया है, इसके बाद अभी ये शॉर्टिंग हट चुकी है पूरी तरह से। अभी इस बोर्ड को हम असेंबल करेंगे और लगाएंगे तो इसके बाद ये चालू हो जाएगा 101%।